In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide Box Office collection of Bollywood film Nadiya Ke Paar. दोस्तों फिल्म नदिया के पार जो रिलीज हुई थी 1 जनवरी 1982 को, ये एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी। रेटिंग रिव्यूज काफी अच्छे दिए गए थे। इसके डायरेक्टर हैं गोविंद मुनीस, इसके प्रोड्यूसर हैं ताराचंद बरजातिया और इसके राइटर हैं केशव मिश्रा। अब बात करते हैं कास्ट के। फिल्म के अंदर सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह और साथ ही इंदर ठाकुर, ये तीनों इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारी कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। और 1994 में इस मूवी का एक बॉलीवुड रीमेक बनाया गया था जिसका नाम था हम आपके है कौन, जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित दोनों लीड रोल में नजर आए थे। चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख का। रही बात बजट, तो फिल्म का बजट था अप्रॉक्सी 1 करोड़ 25 लाख के आसपास का। अब 1 करोड़ 25 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 2 करोड़ 70 लाख का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्डिट की बात करें, यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म नदिया के पार बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट वर्ल्ड वाइड वो है सुपर हिट की। और इसी कलेक्शन के साथ ये 1982 की बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में टॉप 20 फिल्मों में शामिल हुई थी। अब बात करते हैं गानों की। तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे। कुछ गाने हिट साबित हुए थे और गाने को कंपोज किया था रविंद्र जैन ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।